हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में नॉर्मली हम तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं। वो क्या फेजेस थे और क्या रीजंस थे, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, वो हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। एक तो ये समझना है कि कॉलोनियलिज्म क्या है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी कॉलोनीज यहाँ पर एस्टैब्लिश करी। तो कॉलोनियलिज्म का मतलब सिंपल हो गया, कॉलोनियलिज्म का मतलब हो गया कि कोई फॉरेन जो कंट्री है वो अपनी यहाँ पर कॉलोनी इस्टैब्लिश करें और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करें उस टेरिटरी को और अपना फुल कंट्रोल इस्टैब्लिश करें, तो उसे कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जबकि एक और वर्ड होता है इंपीरियलिज्म, तो उसमें आपको थोड़ा बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, इंपीरियलिज्म का मतलब इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना हो गया किसी टेरिटरी को, जबकि कॉलोनियलिज्म में इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन भी हो गया, साथ ही साथ अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करना भी हो गया। बेसिकली इंपीरियलिज्म का मतलब हो गया कि हम हमारी टेरिटरी है, हमने अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन कर लिया, मतलब अपनी टेरिटरी के आसपास के एरियाज को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश नहीं करी, हम उसे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपीरियलिज्म का मतलब हो गया कि इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना किसी भी टेरिटरी को, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और कॉलोनियलिज्म का मतलब है इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना भी हो गया और अपनी कॉलोनीज भी एस्टैब्लिश कर लेना और उस फॉरेन टेरिटरी के ऊपर फुल कंट्रोल ले लेना। ठीक है, तो अब ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड है, जो हम कॉलोनियल पीरियड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनीज यहाँ पर एस्टैब्लिश थी, वो जो फॉरनर्स थे वो यहाँ पर आके बस चुके थे, अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश कर ली थी और यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे इंडिया को। ठीक है, जो इकोनॉमिक हिस्टोरियन है वो ब्रिटिश जो पीरियड है कॉलोनियलिज्म है उसको तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल में न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। जो इकोनॉमिक हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है उसको तीन फेजेस में डिवाइड करा। एक तो आपको ये समझना है कि ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी था 1600 एडी में इंडिया आए थे, 1600 एडी में, तो वो ट्रेड के लिए आए थे, धीरे धीरे करके उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। खासकर उनकी पावर जो है सबसे ज्यादा जो वो उन्होंने चीजों को कंट्रोल में लिया वो 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद से काफी चीजें उनके कंट्रोल में आ गई। 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो बहुत ही ज्यादा उनका कंट्रोल आ चुका था इंडिया में। तो स्टार्ट कहां से हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी से, 1757 से, और 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनका और ज्यादा कंट्रोल इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो ये आपको एक तो क्लियर होना चाहिए, बैटल ऑफ प्लासी काफी इंपॉर्टेंट होती है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के लिए। ठीक है, अब इकोनॉमिक हिस्टोरियंस ने तीन फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। तो पहला पीरियड जो है वो पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल है, थ्री फेजेस है। ठीक है, पहला पीरियड जो है पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल है 1757 से 1800 एडी के बीच में। 1757 हम इसलिए बोल रहे हैं, बैटल ऑफ प्लासी अभी हमने डिस्कस करा था, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो ये वाला जो पीरियड था मर्चेंट कैपिटल का पीरियड था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया आए क्यों थे, या यूरोपियन जो इन्वेडर्स बोल सकते हैं हम, या ट्रेड करने के लिए यहाँ पर आए थे, वो आए क्यों थे। बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वहां पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मली इंडस्ट्रियलाइजेशन से जस्ट पहले चीजें मैनुअली बनाई जा रही होती हैं, हाथ से, लेबर फोर्स ज्यादा चाहिए होती है, अब प्रोडक्टिविटी इतनी फास्ट होती नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मशीनों से सारी चीजें बनाई जाएंगी तो प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, और इनपुट कॉस्ट भी ज्यादा, इनपुट भी ज्यादा चाहिए होता है, इनपुट रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मशीनों से जब चीजें बनेंगी, मशीनें तो जल्दी जल्दी बना देंगी और रॉ मटेरियल भी जल्दी खत्म हो जाएगा, और एक तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा और फिर वो जो प्रोडक्शन जल्दी जल्दी हो रहा है उसे बेचे कहाँ। तो इसलिए यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, खासकर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने, एक तो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, तो रॉ मटेरियल के लिए वो एशिया की तरफ आए और अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ आए, जो पुअर कंट्रीज थी वहां तक आए। ठीक है, अफ्रीका में और एशिया, यहाँ पर इंडिया तो सोने की चिड़िया हुआ करता था, क्या तो यहाँ पर भी वो ट्रेड के लिए आए, रॉ मटेरियल के लिए, कि यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद सके। ठीक है, और साथ ही साथ ब्रिटेन में जो प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उसे फिर इंडिया या अफ्रीका में आके बेचेंगे महंगे दामों पे। ठीक है, तो एक तो उन्हें मार्केट ढूंढना था कि सामान बेचे कहाँ और रॉ मटेरियल कहाँ से ले, इसलिए वो अपनी कंट्री से निकलकर दुनिया में अलग अलग जगह अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करी।
पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल का ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा ये था, प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्टिव था, ओनली एम टू मेक प्रॉफिट, ओनली एम टू मेक प्रॉफिट, ये इसका ऑब्जेक्टिव था इस टाइम पे, केवल प्रॉफिट बनाना। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहां पर आई थी ट्रेड करने के लिए, तो ओनली एम ऑब्जेक्टिव था, ओनली जो एम था वो प्रॉफिट था, बाय मोनोपोली ट्रेड, कि हम ही ट्रेड करें, प्रॉफिट बाय एस्टैब्लिशिंग मोनोपोली ट्रेड, बाय एस्टैब्लिशिंग मोनोपोली ट्रेड। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, उस कंपनी के अलावा और कोई कंपनी टक्कर में है ही नहीं उसके, तो मोनोपोली। ठीक है, और इस समय जो ऑब्जेक्टिव था कि इंडियन से जो रॉ मटेरियल है काफी कम दामों पे खरीदना है, और जो फिनिश गुड्स है महंगे दामों में इंडियंस को बेचना है, क्योंकि यहां पर परचेजिंग पावर भी बहुत सारे इंडियंस की ज्यादा थी, क्योंकि यहां पर इंडिया उस समय सोने की चिड़िया हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो पीरियड था, इस पीरियड में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को केवल केवल इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करा, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, यहां से पैसा बाहर गया इंडिया से खतरनाक तरीके से, ब्रिटिशर्स यहां से पैसा लूट लूट के बाहर लेके गए, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट। अब सेकेंड फेज आता है 1800 to 1900 AD। इन 100 सालों में ब्रिटिशर्स ने क्या करा, देखिए हुआ क्या, एक तो ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल खरीद के ले जा रहे थे वहां ब्रिटेन, वहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, फिर ट्रांसपोर्ट होकर इंडिया में आ रहा था या अफ्रीकन कंट्रीज में जा रहा था बेचने के लिए, तो उन्हें लगा कि यार ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचानी चाहिए और हम वहां की इंडस्ट्रीज के बजाय यहां भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करें। तो वो जो पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल में जो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करा था, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करा था ब्रिटिशर्स ने, उसी पैसे को यहां पर इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने में लगाया। ठीक है, तो यहां पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी ताकि यहीं से रॉ मटेरियल खरीद के यहीं मैन्युफैक्चर करके यहीं बेच सके। पहले क्या हो रहा था, रॉ मटेरियल इंग्लैंड जा रहा था, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, फिर इंडिया आ रहा था, फिर इंडस्ट्रियल कैपिटल के टाइम पे यहीं पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी और यहीं मैन्युफैक्चर होके यहीं महंगे दामों पे बेचा जाने लगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो कैपिटल था वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी हुई ब्रिटिशर्स की, कहां से पूरी हुई, जो पहला फेज था पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल, इससे जो उन्होंने इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करा था वही पैसा यहां पर इंडस्ट्रियल कैपिटल के टाइम पे लगाया, यहां से कमाया हुआ पैसा इधर लगाया। ठीक है, तो एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, यहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश होने लगी इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया। ठीक है, फिर तीसरा पीरियड ऑफ फाइनेंस कैपिटल। अब बात आई सर्वाइवल की, क्योंकि इंडिया बहुत सारा एरिया ज्यादातर रूरल था और सर्वाइव करना ब्रिटिशर्स के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, तो इस टाइम पे क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म में, उन्हें लगता था कि लॉन्ग टर्म में अगर सर्वाइवल करना है तो यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट खासकर किन चीजों में करना पड़ेगा, रेल्स में, रेलवे वगैरह, रेल्स में इन्वेस्टमेंट करा, रोड्स में इन्वेस्टमेंट करा, इरिगेशन फैसिलिटीज, क्योंकि भूख से मरने वाले लोगों का नंबर भी बढ़ता जा रहा था, तो इरिगेशन फैसिलिटीज पहुंचानी है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी ब्रिटिशर्स के लिए। बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट करा, बैंकिंग में, पोस्टल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करा, पोस्टल सर्विसेज, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें ब्रिटिशर्स ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा, तो ये पीरियड ऑफ फाइनेंस कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सर्वाइवल के लिए ब्रिटिशर्स ने इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा। ठीक है, तो एक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक हिस्टोरियन है उन्होंने किस तरीके से फेजेस में डिवाइड करा है, और आपको ये समझ में आना चाहिए इनिशियल जो ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिशर्स का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, केवल केवल प्रॉफिट बनाना मोनोपोली ट्रेड के थ्रू, केवल वही ट्रेड करते रहे। ठीक है, सस्ते दाम पे खरीदें और महंगे में बेचें, इस ऑब्जेक्टिव के साथ वो काम कर रहे थे। तो इस पीरियड में बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करा, फिर उसी पैसे को इंडस्ट्रियल कैपिटल, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग फिर यहीं पर करी, यहीं से रॉ मटेरियल खरीद के फिर यहीं पर महंगे दामों में बेचा जाने लगा। ठीक है, तो ये तीन फेजेस हैं। अब इन तीन फेजेस के अलावा इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम में आता है, जो नेशनल इनकम है हमारी कंट्री के, जो सिटीजन्स हैं उनकी जो इनकम है, टोटल इनकम, वो पहले एस्टिमेट्स एग्जाम में कई बार आया कि फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट करा था, तो दादाभाई नायडू जी ने 1867-68 में कैलकुलेट करा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया, ये हर किसी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम वर प्रोवाइडेड बाय दादाभाई नायडू जी इन 1867। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, इनकी बुक, ये भी कई बार आया, इनकी जो बुक है
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी एक बुक है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो ये बुक आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये भी एग्जाम में आया कि फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट करा था। और इन्होंने अपनी बुक में एक ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दादाभाई नौरोजी ने दी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने ये बताया था कि ब्रिटिश जो कॉलोनियल पीरियड है उस समय ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब हमारे यहाँ से सारा पैसा जो है ब्रिटिशर्स जो है कहाँ ले गए, इंग्लैंड ले गए। तो इंडिया पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, और बाद में बहुत फाइनेंशियल गरीबी बहुत हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो दादाभाई नौरोजी ने बताया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब यहाँ से सारा पैसा, सारी वेल्थ ब्रिटेन चली गई, ठीक है। उन्होंने इकोनॉमिकली हमें एक्सप्लॉइट करा अपने कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है। तो दादाभाई नौरोजी ने क्रिटिसाइज करा, ठीक है, क्रिटिसाइज ब्रिटिशर्स फॉर मैसिव ड्रेन ऑफ वेल्थ, मैसिव ड्रेन ऑफ वेल्थ, मैसिव ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड ड्यूरिंग देयर रूल, ठीक है। तो ये एक आपको बताना चाहिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट किसने दिया, बुक कौन सी है दादाभाई नौरोजी की, अ फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम दादाभाई नौरोजी ने 1867-68 में दिया था। उसके अलावा आपको फेजेस पता होना चाहिए कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की थी, वो हमने डिस्कस कराए। तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।